गाइस के ना सबसे ज्यादा भीड़ है ना वो किस पे जरा बता दी मेहंदी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़की है ना वो मेहंदी लगा रही है सब ठीक है बता दे मेरी गड़बड़ी। सो है हेलो गाइस कैसे हैं एवरी पब्लिक आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। गाइस कमेंट का स्क्रीनशॉट साइड में आ रहा होगा। आज का व्लॉग कुछ हम ऐसी लोकेशन से स्टार्ट करें ठीक है। तो क्या है ना कुछ लाना था सामान वगैरह जो मैंने कल लाया था इस बंदे को इसको तो जानते होंगे आप लोग। तो ये थोड़ा सा ना मतलब लेट हो गया था तो इसको भी थोड़ा सा सामान आ। बाकी मेरे साथ पापा और इस टाइम मेरे चचेरे भाई है बड़े चचेरे भाई बड़ा जी जो कि अपनी 35 लाख की गाड़ी बेच के इस पे आ गए। इसका कोई ये है लॉजिक है 9 लाख नहीं कोई तो लॉजिक होगा आपने 35 लाख की गाड़ी भेजी और ये मारुति ला रही। नो कमेंट्स गाइस इसके पास होंडा अकॉर्ड थी अब ये मारुति सुजुकी ला रहा है पता नहीं जब से पेट्रोल के भाव चढ़ के मुझे लगता है तब से ही हो रहा है। तो गाइस बड़ा जी तो गाइस फाइनली हादी को भी चश्मा पड़ गए हैं कमेंट्स में बताना चश्मा लगा के कैसा लग रहा है। बाकी आज मारुति में ड्राइव करके अच्छा लग रहा है देखो। और हम घर के कपड़ों में निकले एकदम मस्त। अभी तक क्या था ना मैं जैद के साथ था उसको कुछ कपड़े वगैरह ड्रॉप करने थे तो बस ये लोग मेरा वेट कर रहे थे। मैं वैसे जैसे जैद की गाड़ी से निकला डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ गया ठीक है। बाकी व्यू वगैरह अगर ईद आज ही मतलब कल ही हुई तो गाइस आपको पता चल जाएगा। बाकी इनकी बातें कंटिन्यू है। फिलहाल हम इस टाइम है सोरा के पास तो हमें इस टाइम हादी का जूता लाना है और कुछ रोटी वगैरह जो भी बच गई है वो लाएंगे। कल मैंने सब कुछ लाया था लेकिन जो भी कुछ बचा कुचा होगा वो ला लेंगे हम आज आराम से ठीक है। क्योंकि भाई को मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बाकी मैंने बता दिया आपको सच में बड़ा जी के पास मेरे कज़न के पास होंडा अकॉर्ड थी 35 लाख की गाड़ी इन्हें भेज के अब मारुति पे आ गए। बाकी व्यू गाइस एकदम ज़बरदस्त है। गाइस फिलहाल हम आए हैं खानका के पास। यहाँ पे क्या है ना एक बर्गर खाने टाइप रोटी जो है वो फेमस है। फिलहाल भीड़ देख रहे हो तो गाइस इतनी भीड़ होने के मतलब के लिए ना इतनी देख रहे हो ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे मिल ख़त्म हो गया है। देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम ये देखो गाड़ी हमने आगे लगाई क्योंकि इतना ज़्यादा हर एक साइड से ट्रैफिक जैम देख रहे हो। ईद यहाँ से है गाइस वहाँ से बाकी सब कुछ बकवास है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो छक जोरी क्यों ना गाइस क्या है ना वो बर्गर खाने टाइप जो रोटी है ना वो कहीं पे भी नहीं मिल रही ठीक है। अब यहाँ पे आए कुछ चिकन वगैरह लेने इस जगह पे यहाँ पे लेंगे हम चिकन। पहले गाड़ी वहाँ पे कर दिया पार्क वो देख सकते हैं वहाँ पे सुबह ना वो ऑलमोस्ट 9-10 बजे आना पड़ेगा वो चिकन लेने के लिए ना बर्गर खाने टाइप रोटी लाने के लिए तो सुबह चले जाएंगे होपफुली कल अगर ईद नहीं हुई तो अगर ईद हुई तो फिर तो पता ही है। तो गाइस आगे मिलते हैं तब तक के लिए गाइस बाय बाय। फिलहाल हम पहुंच गए नवाटा और देख रहे हो ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा है ये देखो चारों तरफ से ना खाली हॉर्न हॉर्न पी 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 देखो इतना ज्यादा रश है यहाँ से। थैंक गॉड कि मुर्गा मिल गया मुर्गी मिल गई पनीर नहीं मिल रही है पनीर हमने लाई थी लेकिन मेरे को एक्चुअली कहना पापा को चाचू के लिए भी लानी थी। आज बड़ा जी को 1.5 कम से कम 2 घंटे इसी ट्रैफिक में लग जाएंगे। अभी हादी के लिए जूता भी देखना है अंदर कहना क्या इस गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी तो देख लो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है ये देखो। फिलहाल हाजी जूता ट्राई कर रहा है देखो मतलब क्या बताऊँ मैं मैंने और कुछ खांडस वगैरह लाई मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये देखो
मेरे को खुद को 7 नंबर लगता है, हरी को 8-9 नंबर, मतलब 9-10 नंबर लगता है। इस फिलहाल ये देख सकते हैं आप, नवाटा के यहाँ पे है, मतलब चढ़ाई से उतरते टाइम में जो भी यहाँ से दुकान है। फिलहाल हादी देखते हैं हादी को क्या जूता वगैरह पसंद आएगा। इस फाइनली हादी ने जूता लाया, लेकिन इस बंदे को जूता ही नहीं पहुँचता है। मेरे को 7 नंबर लगता है, इसको लगेगा मेरे को 10-11 लगेगा, है ना। 10 चाहिए 10 नाव लाया, अब नाव से काम चला लेना तू, ठीक है। देखो ये वाला जूता लाया है, ये आप ईद के दिन ही वैसे डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ना मतलब सस्पेंस का है ना, उस दिन हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस बनता है, ठीक है। बाकी ये देखो रश वगैरह कितना है, देखो छोटे छोटे बच्चे मेहंदी कैसे लगा रहे हैं। बाकी ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चे ना, मतलब जो भी लड़कियाँ होती है छोटी छोटी, हाथ ऊपर हवा में उठा के मेहंदी हाथ में लगा के, ठीक है। हर एक जगह ना मतलब मेहंदी लगा रहे हैं। गाइस कहना सबसे ज्यादा भीड़ है ना वो किसका, जरा बता दी, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियां ना वो मेहंदी लगा रही है सब, ठीक है। वो खुशियों का त्यौहार होता है, इतने दिन रोज मतलब रोजा रह के फिर ईद मनाई जाती है, ठीक है। अब छोटे छोटे जो भी रहता होगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को, हो सकता है रहता होगा कोई, नहीं रहता होगा, क्योंकि छोटे छोटे मत लगाते सारे मेहंदी, बड़े बड़े भी लगाते हैं। अब जब खूबसूरत है ना वो बड़ा था, छोटे छोटे ज्यादा लगते हैं। भीड़ में रिएक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल, ठीक है। गाड़ी अब हमने वहाँ पे लगाई ना, पहले हम जाएंगे गाड़ी के पास, क्या पहले जाएंगे गाड़ी के पास, हर एक बंदा ना मतलब अपने खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही करता है, ठीक है, कुछ भी करता है अपनी खुशी के लिए, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, लेकिन पैसे कमाने पड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं गाइस हम अपनी गाड़ी के पास, आपको मिलते हैं तब तक के लिए गाइस, बाय बाय। गाइस इसमें रखा था बड़े जी को, कैसा लग रहा है आपको इतना टाइम वेट करके, बाकी लोग भी आ रहे, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। उठाओ वो आए सारे, फाइनली बड़ा जी भी निकल रहे, देखो सामान सब कुछ, रोटी वगैरह साथ में। और बड़ा जी क्या है ना, मेरा चचेरा भाई एक एनजीओ चलाता है, क्या उसका नाम नोवेटिक फाउंडेशन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम की। तो गाइज फिलहाल चलते हैं अंदर, देखो इतनी सारा रोटी हाथ में, बाकी जो भी कपड़े वगैरह है वो भी हाथ में, बाबा के हाथ में भी कुछ है, तो फिलहाल चलते हैं अंदर। तो गाइज फाइनली पहुँच गए थे घर, क्या इफ्तार वगैरह अच्छे से, मतलब एकदम ज़बरदस्त, मतलब भूख लगी थी बहुत, प्यास लगी थी क्योंकि इतना घूम रहे थे आज। तो क्या है ना, अभी पता नहीं ईद कब है क्या नहीं, पता नहीं मेरा मूड कैसा हो रहा होगा, आ रहा होगा इस टाइम। तो गाइज बस करते हैं इस वीडियो के एंड, आई होप मतलब ईद कल ही हो, वीडियो अभी चढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई सी ज़बरदस्त वाली वीडियो में, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, पीस आउट। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी।